हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कि दो कंडक्टर्स हैं, पैरेलल पड़े हैं, उनमें करंट पास करूं तो उनके बीच में फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, वो डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। पहले इससे पिछले लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field, it experiences force। कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर फोर्स लगता है। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, वेर एफ इज द फोर्स, I is the current flowing in the conductor, L is the length of conductor, B is the magnetic field and theta is the angle between the direction of current and the magnetic field। और इस force की direction किस rule से देते हैं हम, या तो right hand thumb rule से और flaming left hand rule से। इसको हमने पिछले lecture में discuss किया था। अब आज के lecture के ऊपर आते हैं, वो क्या है हमारा आज का lecture, देखो ये formula use होना है इसलिए discuss किया। आज के लेक्चर हमारा क्या है कि फॉर एग्जांपल दो कंडक्टर हैं, वन एंड दिस इज कंडक्टर टू। इन दोनों को मैंने डी डिस्टेंस पे रखा, या ले लो आर डिस्टेंस पे रखा, तो क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों कंडक्टर आपस में अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे अभी डिस्कस करेंगे हम। तो इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो आज हमने उसी का एक्सप्रेशन करना है कितना फोर्स है। Suppose I1 is the current flowing in the conductor 1 and I2 is the current flowing in the conductor 2, ठीक है। कि इस कंडक्टर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में I2, और ये जो कंडक्टर है इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग मतलब कैसे, कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो इनकी लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है। अब क्या ये I1 मतलब कंडक्टर 1 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल से, ये यहाँ पे इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से इस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा, तो पहले मैं उस फोर्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। तो मैंने निकाली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर वन एट पॉइंट P। अब किसकी वजह से है, कंडक्टर वन की वजह से, इसको मैंने नाम दे दिया बी वन। अब इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, आर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोड आई ओवर में टू पाई आर, करंट कितना है आई वन, तो आई वन आ गया, पढ़ा हुआ हमने इसको। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लगाओ भी, राइट हैंड थंब रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई, इनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई इनवर्ड्स। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊंगा ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड, कि ये इनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब इस कहीं भी निकालो तो हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैं अभी इसी पॉइंट के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनसाइड, यहाँ पे हर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही आएगी। तो मैं अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस कंडक्टर में करंट भी पास कर रहा है, तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस पर क्या लगेगा, फोर्स। नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर वन, या बोल दो ड्यू टू कंडक्टर वन, तो इसको लिखो मैं F21 की फोर्स ऑन कंडक्टर टू ड्यू टू कंडक्टर वन। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने फोर्स का, अभी मैंने तुम्हें बताया था आई एल बी साइन थीटा, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी सपोज मैं एल लेंथ पे फोर्स निकाल रहा हूं, कितनी लेंथ पे, एल लेंथ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो करंट कितना पास करा आई टू, कितनी लेंथ पे निकाल रहा हूं, एल पे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहां पे बी वन, थीटा कितना है। अब देखो करंट किस तरफ है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो थीटा कितना होगा दोनों के बीच में 90, तो साइन 90 डिग्री, तो F21, अच्छा मुझे इसकी डायरेक्शन देनी है, मैंने वेक्टर लगाया यहाँ पे,
आप डायरेक्शन कैसे देते हैं? चलो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर लास्ट में डायरेक्शन देंगे। आई टू एल बी वन की वैल्यू म्यू नोड आई वन ओवर में टू पाई आर, तो क्या आ गई फोर्स की वैल्यू? एफ टू वन इज इक्वल टू म्यू नोड आई वन आई टू ओवर में टू पाई आर। तो दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर सेकेंड ड्यू टू कंडक्टर फर्स्ट। हुआ क्या, फर्स्ट कंडक्टर ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की और सेकंड कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या लग गया? फोर्स। अब मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन देनी है, तो अगेन लेफ्ट हैंड थंब रूल सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एंगल कितना है? 90 है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? अंदर की तरफ। करंट किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो फोर्स किधर आ गया? इधर। थंब गिव्स द फोर्स, फोर फिंगर गिव्स द फील्ड, सेंट्रल फिंगर गिव्स द करंट। तो सबसे पहले फील्ड को फिक्स किया अंदर की तरफ, करंट ऊपर, तो फोर्स किस तरफ आया? इस तरफ। तो इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ गई। सो दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो किस तरफ आई? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर मैं यहाँ वेक्टर लगा दूँ तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी मुझे किस तरफ? टूवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर हो गया, समझ आया? इसको नोट करो यहाँ तक। अब मैंने सेकेंड कंडक्टर के ऊपर फर्स्ट की वजह से फोर्स निकाल लिया, अब निकालेंगे फर्स्ट के ऊपर सेकेंड की वजह से फोर्स। तो क्या सेकेंड कंडक्टर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? कर रहा होगा। तो मैं एक पॉइंट लूंगा यहाँ पे, कितना? क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई टू या और कैसे ड्यू टू कंडक्टर टू एट पॉइंट क्यू, करंट भी तो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो इसको लिया मैंने बी टू। अगेन इनफाइनाइट लोड कंडक्टर है, डिस्टेंस कितना है? आर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी टू इज इक्वल टू म्यू नोड आई टू ओवर में टू पाई आर। अब इसकी डायरेक्शन अगेन राइट हैंड थंब रूल, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट राइट साइड आई, इस तरफ किस तरफ फिंगर आ रही है? आउटवर्ड्स। तो अगर मैं वेक्टर लगा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आई? आउटवर्ड्स, मतलब डॉट लगा दो यहाँ पे, या लिख दो ये आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड दिखाने में ऐसे दिखा दूंगा, ये बाहर की तरफ है, ठीक है, ये आ गया बी वन सॉरी बी टू। अब यहाँ पे पूरी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें करंट भी पास कर रहा है आई वन, तो फोर्स होगा। तो निकालते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर टू सॉरी कंडक्टर वन ड्यू टू कंडक्टर टू। तो फोर्स भी लिखी हुई है एफ वन टू। अगेन आई एल बी साइन थीटा, करंट कितना है? आई वन। लेंथ एल ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी टू। साइन थीटा कितना? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बाहर की तरफ। करंट किधर? ऊपर। तो थीटा कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री। तो आई वन एल बी टू का फॉर्मूला म्यू नोड आई टू ओवर में टू पाई आर। तो एफ वन टू विल बी इक्वल टू म्यू नोड आई वन आई टू एल ओवर में टू पाई आर। अच्छा यहाँ पे एक एल भी था पीछे, ठीक कर लें डेरिवेशन में, हमने एल लिखा ना, यहाँ एक एल भी है, ठीक है। तो एफ वन टू विल बी इक्वल टू म्यू नोड आई वन आई टू एल बाई टू पाई आर। इस चीज़ को करेक्ट कर लेना पीछे, यहाँ पे मैंने एल लिखना शायद भूल गया, तो यहाँ पे एल लिख लेना, ठीक है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन बतानी है मुझे, अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है? बाहर की तरफ, बना दी बाहर की तरफ यहाँ से बोर्ड की। करंट किस तरह? ऊपर की तरफ। फोर्स किस तरफ आया? टूवर्ड्स राइट आया। तो ये आ गया फोर्स यहाँ पे इस तरफ एफ वन टू। तो ये फोर्स किस तरफ आ गया? ये फोर्स आ गया टूवर्ड्स राइट। ये लिख लेना इस चीज को, आई एल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर लगा दो। अब देखो क्या दोनों फोर्स की वैल्यू देखो सेम आई है। एफ टू वन क्या था? म्यू नोट आई वन आई टू एल बाई टू पाई आर। एफ वन टू भी क्या है? म्यू नोट आई वन आई टू एल बाई टू पाई आर। ये फोर्स किस तरफ था? ये फोर्स था टूवर्ड्स लेफ्ट। ये फोर्स किस तरफ है? टूवर्ड्स राइट। तो आई कैन से वेक्टर फॉर्म में एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन। मतलब जितना वायर वन वायर टू के ऊपर फोर्स लगा रही है, उतना ही वायर टू वायर वन पे। बस दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम, कि सेम लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो इस केस में हम क्या निकालते हैं? इस केस में हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी एफ वन टू डिवाइड बाई एल म्यू नोड, या वेक्टर छोड़ो, आई वन आई टू ओवर टू पाई आर, ठीक है।
तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हमने दोनों फोर्स निकाल लिए, जितना कंडक्टर वन ने टू पे लगाया और जितना कंडक्टर टू ने वन पे लगाया। अब देखो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे, इन दोनों वायर को पास होने की कोशिश कर रहे हैं ना। मतलब जब करंट सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स कैसा है इन दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस चीज को लिख लेना, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन द पैरेलल वायर्स देन द टू वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर। वो दोनों वायर क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे। अभी हमने डिस्कस किया केस कौन सा, जब करंट सेम डायरेक्शन में हो। क्या होगा अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, कि अब I1 तो आ गया इधर और I2 आ गया इधर। अब निकालो फॉर्मूला और बताओ फोर्स कैसा होगा। पहले में तो पता लग गया था अट्रैक्टिव फोर्स है, अगेन इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर्स है तो सेम चलते पहले की तरह। मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया P, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आई, इनवर्ड्स बी वन। क्या बी वन का फॉर्मूला सेम रहेगा? ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। बी वन पता है ना क्या चीज़ है जो पीछे पड़ा था, म्यू नोड आई वन ओवर में टू पाई आर। अब इस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी लगेगा। तो एफ टू वन विल बी इक्वल टू, करंट कितना है भाई आई टू, लेंथ कितनी एल, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बी वन, थीटा कितना 90। अच्छा डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बता दो भाई इनवर्ड्स। तो आई टू एल बी वन की वैल्यू म्यू नोड आई वन ओवर में टू पाई आर, तो क्या आ गया म्यू नोड आई वन, अभी डायरेक्शन नहीं बताया मैंने, आई टू एल ओवर में टू पाई आर। पिछली बार में एल लिखना भूल गया था, इसको ठीक कर लेना। अब इस फोर्स की डायरेक्शन देखो किस तरफ आएगी, फील्ड अंदर की तरफ, करंट किस तरफ है नीचे की तरफ, तो फोर्स किस तरफ आया टूवर्ड्स राइट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इस बार फोर्स जो है वो इधर आ रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरी वायर के ऊपर निकाल लें, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरफ होगी, अब करंट नीचे की तरफ हो गया तो करंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ राइट में इन साइड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है इन साइड। इसको लिखते हैं बी टू, तो बी टू क्या हो जाएगा हमारा म्यू नोड आई टू, इसकी वजह से निकाल रहे हैं ओवर में टू पाई आर, और डिस्टेंस किधर आ रही है अगेन इनवर्ड्स, तो वेक्टर लगा दिया। नाउ एफ वन टू दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोड, सॉरी करंट कितना आई वन, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बी टू, साइन अगेन कितना 90 डिग्री। तो आई वन एल कितना एल, बी टू कितनी म्यू नोड आई टू ओवर में टू पाई आर, तो क्या आ गया म्यू नोड आई वन आई टू एल ओवर में टू पाई आर। तो फोर्स की वैल्यू तो क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू तो वही सेम आ गई। अब डायरेक्शन देखो, फील्ड की तरह इनवर्ड्स, करंट की तरह अपवर्ड, फोर्स किस तरफ आया टूवर्ड्स लेफ्ट, तो फोर्स आ रहा है इस तरफ। तो अब ये दोनों वायर देखो क्या करने की कोशिश कर रही है, ये दोनों वायर एक दूसरे से रिपेल हो रही है, मतलब दूर भागने की कोशिश कर रही है। तो पहले केस में क्या कर रही थी अट्रैक्ट, अब क्या कर रही है रिपेल। देखो फोर्स की वैल्यू तो सेम आई ना, मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किस पे पड़ा डायरेक्शन पे। तो क्या पता लगा, अगर वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, कि इफ द करंट इन द वायर्स इन फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे विल रिपेल ईच अदर। कि अगर सेम डायरेक्शन में तो वो क्या कर रही थी अट्रैक्ट, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो क्या करेंगी रिपेल करेंगी। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, डेरिवेशन आई थी और बोला था इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो, तो करते हैं। अभी हमें क्या पता लगा कि अगर दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों में कितना फोर्स होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू नोड आई वन आई टू ओवर में टू पाई आर, अगर डिस्टेंस आर है और ये अपॉन में एल यहां पे आ गया। ठीक है, इतना फोर्स निकाला था, यही फोर्स वन ने टू पे लगाया, यही फोर्स टू ने वन पे लगाया। ठीक है, अब मुझे डिफाइन करना है 1 एम्पियर, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करती है, सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करती है। अब इफ आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू 1 एम्पियर, कि मैंने दोनों वायर में करंट कितना कर दिया 1 एम्पियर, आर भी कर दिया 1 मीटर, तो एफ बाई एल की वैल्यू देखो क्या आएगी, म्यू नोड 1 into 1 ही अपॉन में 2 पाई। म्यूनोड की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई into 10 to the power -7 अपॉन में 2 पाई।
तो 2 पाई कैंसिल, यहाँ गए 2, तो दैट इज 10 रेज पर -7। है क्या चीज़ ये? फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट क्या आएगी? 2 × 10⁻⁷ एंड न्यूटन पर मीटर, यही आएगी। तो 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट विच वेन फ्लो थ्रू टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दे विल एक्सर्ट ईच अदर अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो 1 एम्पियर वो करंट है जिसको मैं 2 कंडक्टर में पास कराऊँ जो पैरेलल बने एक दूसरे के, कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर पे। तो वो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ पे इतना फोर्स लगेगा। तो 1 एम्पियर इज दैट करंट। ये सीबीएसई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एक तो डेरिवेशन, एक 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो इसको नोट कर लो। अब इसी टॉपिक के ऊपर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोला है 2 वायर्स हैं ए एंड बी, दोनों में करंट पास कर रहा है 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। बोला है फोर्स निकालो 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। अब हमने पढ़ा है 2 वायर सेम डायरेक्शन में तो वो अट्रैक्ट करती हैं, और दोनों कितना फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पे? एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नोड I1 I2 ओवर में 2 पाई आर। जितना फर्स्ट वायर सेकंड में लगाती है उतना ही सेकंड फर्स्ट पे लगाती है, डायरेक्शन अलग होती है बट मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नोड I1 I2 बाय 2 पाई आर इंटू में एल। म्यू नोड की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई × 10⁻⁷। I1 की वैल्यू 8, I2 की वैल्यू 5, अपॉन में 2 पाई आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और आई कैन से 4 × 10⁻²। L की वैल्यू लेंथ कितने सेंटीमीटर पे निकालना है? 10 सेंटीमीटर पे। ये L है जितनी लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना है, हमने पढ़ा था ना पर यूनिट लेंथ इतना फोर्स लग रहा है, तो गिवन लेंथ पे चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय L। तो 10 सेंटीमीटर से करना है तो 10 × 10⁻²⁺ मीटर में आ गया, तो यहाँ से तुम्हारा फोर्स निकल जाएगा। अगर डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, इसमें पढ़ा था हमने 2 वायर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करती है, तो टूवर्ड्स द वायर बी। ठीक है, नोट कर लो इसे। पहले बात करते हैं क्यू आर के लिए और पी एस के लिए। तो ये करंट ऐसे जाएगा ना, तो मैं क्यू आर पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, पहले तो इस वायर की वजह से यहाँ पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? देखो फिंगर इस करंट की तरफ, थंब करंट की तरफ, फिंगर किस तरफ है? इनवर्ड। तो इस पूरे रीजन में इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड्स। तो ऐसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द स्क्वेयर इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ये हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड्स। तो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं क्यू आर का, तो इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहली बात तो इसका डिस्टेंस इतना हो जाएगा, देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड्स। करंट किधर? नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट नीचे, फोर्स किस तरफ आया? इस तरफ आया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट नीचे, फोर्स इस तरफ आया। ठीक है, अब इसके सेम डिस्टेंस पे मैं एक पीएसपी एलिमेंट ले लूं यहाँ पे, तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी क्योंकि वायर का डिस्टेंस क्या है? सेम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, म्यू नॉट आई ओवर में 2 पाई आर। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालो, किस तरफ आया? देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, फोर्स किस तरफ आया? इस तरफ। तो ये कंपोनेंट का फोर्स, ये कंपोनेंट का फोर्स कट आउट हो रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? सेम। करंट भी क्या है? सेम। तो कंपोनेंट क्या हो गया? कट आउट। तो इस पूरे वायर पे जितने एलिमेंट होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस पे एलिमेंट होंगे,
जिनका फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कि इस पूरे पे फोर्स लग रहा होगा इधर, उसके बदले में पूरे पे फोर्स लग रहा होगा इधर, तो कंपोनेंट क्या कर देंगे एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल, तो नेट फोर्स ऑन क्यू आर इज इक्वल एंड अपोजिट टू नेट फोर्स ऑन TS, कि जितना फोर्स इस वायर की वजह से QR पे लग रहा है उतना ही फोर्स PS पे लग रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा, जीरो, इन दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मैं डायग्राम को अगर दोबारा बनाऊँ, ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक, इसको रब कर रहा हूँ मैं, चलो पहले वो नोट कर लो, मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर की साइड, ये भी 20 सेंटीमीटर की साइड स्क्वायर है, इसमें करंट है 1 एम्पियर और ये डिस्टेंस है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना है करंट किस में, फोर्स किस पे, पी क्यू पे और एस आर पे, इन दोनों का तो पता लग गया कैंसिल कर रहे हैं, तो फोर्स ऑन पी क्यू ड्यू टू वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, देखो क्या ये दो पैरेलल वायर है जिनमें क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अब इसकी वजह से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, कौन सा, म्यू नॉट आई वन आई टू ओवर में टू पाई आर, फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो आई वन, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10^-7 इंटू में आई वन की वैल्यू 2, आई टू की वैल्यू 1 अपॉन में 2 पाई, डिस्टेंस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर और आई कैन से 10 × 10^-2। अब इन दोनों वायर पे करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों वायर क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो इस पे फोर्स लगेगा भाई इस तरफ, तो ये आ गया फोर्स पी क्यू, समझ आ गया, या अगर भूल जाओ अट्रैक्ट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्स, करंट इधर, फोर्स आ गया अपवर्ड्स, समझ आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं फोर्स किस पे, एस आर पे, फोर्स ऑन एस आर ड्यू टू वायर, अगेन फॉर्मूला म्यू नोड I1 I2 अपॉन में 2πr। अब बोलोगे सर आपने तो इसमें छोटे छोटे एलिमेंट लिए थे और फोर्स कैंसिल करा था, अगर इसमें छोटे छोटे एलिमेंट ले लो, हर एलिमेंट में फोर्स किस तरफ, ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स ऐड ही होगा, तो इसलिए लगा दिया। अब इस वायर का डिस्टेंस और इस वायर का डिस्टेंस इस वायर से अलग है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, बट मैं बात करूँ इस वायर की और इस वायर की, तो इस पे हर एक एलिमेंट इस वायर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो भाई 4π × 10^-7, आई वन कितना 2, आई टू कितना 1 अपॉन में 2π, आर की वैल्यू, डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 20, दैट इज 30 × 10^-2, तो ये आ गया फोर्स एस आर, इसकी डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में करंट, ये इस डायरेक्शन में करंट, तो दोनों क्या करेंगे रिपेल, तो ये फोर्स आ गया इधर, फोर्स ऑन एस आर, या अगर भूल जाओ ये चीज़, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर बताया इनवर्ड, करंट किधर, इधर, तो फोर्स किधर आ गया डाउनवर्ड्स, मैंने बोलता मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखना और करंट को घुमाना, तो ऐसे डाउनवर्ड्स आ गया, तो नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन द लूप, अब ये फोर्स ऊपर की तरफ, ये फोर्स नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ पी क्यू माइनस ऑफ एफ एस आर, एफ पी क्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ, तो टूवर्ड द वायर, पी क्यू की डायरेक्शन में, देख लो इसके अपॉन में 10 × 10^-2, इसके अपॉन में 30, तो ये वाली ज़्यादा होगी, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई, नेट फोर्स की डायरेक्शन आ गई टूवर्ड्स द वायर, क्लियर, ठीक है, नोट कर लो और क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, नोट करो। तो आज का लेक्चर था हमारा किस पे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, तो हमने क्या पढ़ा कि जितना एक कंडक्टर दूसरे पे फोर्स लगाता है उतना दूसरा कंडक्टर पहले फोर्स लगाता है, तो दे ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलो, एंड पढ़ा कि दो कंडक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में वो क्या करेंगे अट्रैक्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेंगे रिपेल, देन हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन किया और एक सीबीएसई में क्वेश्चन किया, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।